कर दिया बड़ा बनाया, तोले चाओ बट कर दिया बड़ा बनाया काम, हर चाला है तो चा चाह नहीं फसाना। झूठ मुझको और फंसाया गया, बोल कर झूठ मुझको फंसाया गया, बेखता को न दो माँ की तुम सजा। मिलेगी सजा सुबह फांसी के फंदे चला जाएगा, और रोने धोने से निकले और नतीजा नहीं, सीधे भूल के आदम की चकर जाएगा। तो मेरे जाने के पहले और हुआ खून था, मेरे जाने के पहले हुआ खून था, झूठ बोलू नहीं सच बताता हूँ मैं। मैं सच कहता हूं कि मेरे जाने से पहले इनका खून हो चुका था। महाराज मैंने तो सोचा कि शायद मैं सबसे निकाल लूं, हो सकता है इनकी जान बच जाए, लेकिन ये बच नहीं सके। उसी वक्त मंत्री जी आ गए और महाराज मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिया। महाराज महामंत्र विक्रम सिंह जिस शमशीर से चेतराम की हत्या हुई है, वो शमशीर कहाँ है? ये नहीं महाराज, ये झूठ बोलता है। इतना नमक हराम इंसान है कि अपने हाथों से खून किया और खून करने के बाद अपने को निर्दोष साबित करता है। ये शमशीर महाराज किसी और की नहीं, ये सेनापति अनवर की है। ओह, और ये उसका बेटा है, भला सेनापति से शमशीर कौन ले सकता है? या तो इसने खून किया, फिर जिसकी शमशीर है हो सकता है सेनापति अनवर ने किया। तुम ठीक कहते हो महामंत्री विक्रम सिंह, सेनापति अनवर को राज दरबार में बुलाया जाए। छोटो जाओ सेनापति को बुला करके लाओ। सेनापति अनवर क्या देख रहे हो? तुम्हारे पुत्र के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूं। और अजीब बात क्या है जो वैसी घड़ी है, तो अजीब बात क्या है जो वैसी घड़ी है, बेटे के हाथी क्यों हती करी है?
बेटे ने कौन सा गुनाह किया है जो आज मेरे बेटे सर्वर के हाथों में हथकड़ी लगी है। जहां पना मैं जानना चाहता हूं। उसका गुनाह जानने से पहले सेना नायक तुम अपना गुनाह बताओ। मैं पूछता हूं और नहीं देर जाता तुम लाल लगाओ। नहीं देर जाता तुम नायक लगाओ और चरा अपनी शमशीर मुझको कहाओ। पे छिपा रखा मुझको बताना और नहीं देर जाता तुम अनवर लगाना। बताओ सेनापति अनवर तुम्हारी शाही शमशीर कहां है? शहंशाह वो भी बताऊंगा। तो लाख मिन्नत करी हाथ को जोड़ा जब अरे अपनी शमशीर इसको दहाया मैं। मुझको मालूम न था ये अरे दगाबाज है झूठे इल्जाम है। अन्नदाता इस हराम जादे ने मेरे सामने हाथ जोड़े मिन्नत किया और कहा मुझे सेनापति अपनी शमशीर मुझे दे दो। दो दिन के बाद हम तुम्हें तुम्हारी शमशीर तुम्हें दे देंगे। हमें क्या मालूम हराम खोर है जो उल्टे मुझे जालसाजी में फंसा दे। सेनापति औकात में रहना औकात से बाहर नहीं जाना। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। महाराज ये झूठ बोलता है। हराम जादे ये झूठ बोलता है। अगर शाही दरबार नहीं होता तो अगर ये दरबार नहीं होता सेनापति अनवर कोई अपनी शमशीर दूसरे को नहीं देता। तुम्हारी चालबाजी मेरे समझ में आ गई है। तुम साजिश के तहत अपने बेटे के हाथों तुमने चेतराम की हत्या करवा दी। नहीं महाराज चेतराम की रात दरबारी चेतराम की लाश को अंत्येष्ट के लिए ले जाओ। हेलो भैया सिंगार घर के अंदर आवाज न मारो भाई। कृपया जो भी व्यक्ति अंदर हैं वो बाहर चले जाएं। कृपया विनती है मेरी घर मालिक से निवेदन है कि जो भी अंदर लोग खड़े उनको बाहर कर दे। नायक महाराज तुम्हारे बेटे की तो फिर एक ही सजा है और वो है तेरे बेटे की फांसी। नहीं महाराज हम अपनी औलाद को अपने आंखों के सामने तड़पता नहीं देख सकता। महाराज मेरी बातों पर यकीन किया जाए। राजन महामंत्री विक्रम सिंह कल सुबह 10 बजे इसके बच्चे की फांसी दे दी जाए।
छुटवा, सेनापति को भी ले चलो और इसके बेटे को भी ले चलो, दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दिया जाए। उसी जेल में बाप और बेटे जिंदगी भर सड़ जाओगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएगी। जैसा तुम दोनों ने किया है वैसा फल पाओगे। लेकर के आओ मैं चल। अब बहू, ये खून मैंने नहीं किया। जानता हूं बेटी, ये खून ना तुमने किया और ना मैंने किया, गलती तो मेरी है। हेलो भैया, देखो हम लोगों को काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है, भैया आवाज मत करिए। और बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको अब वो तो खत्म हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी और किसके सहारे मैं जीऊंगी। या भगवान, अब कौन है मेरा सहारा देने वाला। और दुनिया में ऐसा कहां सभी का नसीब है, इतना बेजार। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पिता थे उन्हें मार दिया गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। अब किसके सहारे मैं रहूं कि ना रहूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। निर्मला, जाता घबरा वो ना।
निर्मला कहिए। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसका ये आकाश है। हर तरह से मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। तो आप क्या मेरा सहारा दोगे? सहारा? हाँ, हर तरह से, हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। और मदद नहीं, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना लूंगा और मैं अपना जीवन साथी तुम्हें बनाऊंगा। यह हमारा वादा है। ठीक है, यह हमारा वादा है। आज के बाद सब कुछ भूल जाओ। हेलो हेलो हेलो, ये आगे विशाल चौधरी जकी फक्कर दास की कुटी जकी लक्ष्मणपुर तिराहा। ये प्यार काम पर खोज कर भैया हो। हे भैया, या 10 रुपया दे रहे हैं पर है, ऐसे न जाओ, चपक के प्यार करो, पैसा उन लेके आई था। और मेरा प्यार वो है मर कर फे तुम्हें को, और मेरा प्यार वो है कि मर कर फे तुम्हें को, सुता अपनी पा ओ।
के बाद सारा दुख और सारे गम दूर हो गए, भूल जाओ। हम हैं तुम्हारे साथ ना, और आज के बाद तुम महलों की रानी बनकर हो। अरे छोटा सा एक घर होगा और घर में होंगी सजनी जी, अरे छोटा सा एक घर होगा घर में होंगी सजनी जी, मिलके करेंगे दोनों प्यार खुशियां। अच्छा जुगाड़ लगा लेगा भाई, छोटवा इधर आ। अब देख एक तीर से दो निशान, साला चैतुआ हमसे टकराया, हमारी बेइज्जती किया, मैंने उसको खत्म कर दिया, फंसाया उस हरामजादे सरवर को, और साथ में फंस गया वो हरामजादा सेनापति अनवर। हेलो ये आगे संजय, संजय भैया जगह इसी गांव निवासी, घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार, शुक्रिया। छोटो हुजूर, अब देख हमारे दिमाग को, अब बची है उसकी बेटी जिसका नाम है निर्मला। निर्मला मैं आ रहा हूं तेरे पास, अगर तुझे हम अपनी पटरानी ना बनाया तो हमारा नाम बचना ही है। विक्रम सिंह का दूसरा नाम माउथ है, कल मेरे से हस साले उठाई गिर, साला उठाई गिर चोर साला, देखा तो सारे का बहुत बड़ा पिलान पिलान यार, हमका ऐलान सोचा था यार, चली थे देखो होत का है का करत है सार, एक पीछे पीछे लगे रहो बीच में बोला ना कुछ, चल रहे हैं मगर चलते वक्त कहना क्या है, हाथों में मेहंदी जो दुल्हा के हाथे में मेहंदी लाएगा से दुल्हा और दुल्हन के, हाथों में मेहंदी मंग सुंदर बर्बादी का जरावा हो, ये तो रही है फिल्मी फिल्मी दुनिया वालों ने, और इस पार्टी का मान्यवर हमारे मैनेजर साहब अमृता खन्ना जी क्या बना दिया है कि हाथों में हैंडल पैर में सैंडल, हाथ में हैंडल और पैर में सैंडल, कि हाथों में हैंडल पैर में सैंडल बर्बादी चुतरवा हो। हाथों में हैंडल पैर में सैंडल बर्बादी चुतरवा हो गया, पतोहू कहे जब शादी से अपने, पतोहू कहे जब शादी से अपने तोरा बतवा ही जरावा हो।